जियो एयरटेल वीआई के हड्डी में दर्द होने वाला है। मार्केट में अब रतन टाटा की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एयरटेल वीआई जियो तीनों ने मिलकर के पूरे भारत के इंटरनेट पर कंट्रोल कर रखा है और अपने मन के मुताबिक 25% रेट को हाइक कर दिया। और ये चीज भारतीयों को, आम व्यक्ति को जला भी पसंद नहीं आया है। लोग बोल रहे हैं कि अंबानी को अपने बेटे का शादी करना था और शादी में उन्हें अरबों खरबों रुपया उड़ाना है, ये पैसा आएगा कहाँ से? चलो अपना बाप का खजाना है, मार्केट में दाम बढ़ाते हैं, पैसा रिटर्न मिल जाएगा। तो मार्केट में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आज के टाइम में ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, हर जगह बायकॉट जियो, बायकॉट अंबानी, इस तरह के हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से मार्केट में रतन टाटा की एंट्री हुई है, रतन टाटा के आने से जियो एयरटेल के हड्डी में डर क्यों हो रहा है, रतन टाटा बीएसएनएल के साथ मिलकर के क्या करने वाले हैं, आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। नमस्कार साथियों, मैं विकास और आप देख रहे हैं इनसाइड वर्ल्ड। दोस्तों, एक तरफ अंबानी के घर में सनाई बज रही है जिसका पैसा हमारे और आपके पॉकेट से जा रहा है। कैन यू इमेजिन कि जियो के यूजर्स 50 करोड़ से ज्यादा हैं भारत में, 25% का रेट बढ़ाया गया है। अब अगर मान लीजिए 100 रुपया में अगर 25 रुपया ही बढ़ा दिया गया, उस 50 करोड़ को आप 25 रुपये से गुना कर दीजिए, एक बार में अंबानी को 50 से 60 लाख करोड़ रुपया का फायदा हुआ है और ये पैसा हमारे और आपके आम आदमी के पॉकेट से गया है। आप बोल सकते हो कि 25 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, 50 करोड़ व्यक्ति अगर 25 रुपया देंगे तो वो अमाउंट कितना होगा, आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हो, हर महीने आम आदमी को इतना पैसा पे करना होगा। वहीं दूसरी तरफ रतन टाटा ने हमेशा खुद को देश के लिए समर्पित किया है। रतन टाटा ने शादी नहीं किया, क्यों? क्योंकि मैं देश का सेवा नहीं कर पाऊंगा। बचपन में आपने पोलियो पिया होगा, वो जो आप पोलियो पीते थे उसका पैसा रतन टाटा देते थे। पूरे भारत में रतन टाटा के द्वारा पोलियो पिलाया जाता था। रतन टाटा अगर अपना पैसा दान ना करे, सिर्फ जमा करते ना, तो रतन टाटा एलन मस्क से भी अमीर होते हैं। लेकिन रतन टाटा अपना सारा का सारा पैसा दान कर देते हैं और अब तो उन्होंने अपने कंपनी में बहुत सारे ब्रांच बना दिए हैं, अलग अलग आदमी को बैठा दिया है, खुद के वो मालिक है ही नहीं, हट चुके हैं। तो देश के आम जनता को पता है कि रतन टाटा की भारत को आगे बढ़ाने में क्या अहमियत है, क्या योगदान है। रतन टाटा पहले लोगों के बारे में सोचते हैं, लेकिन अंबानी पहले पैसे के बारे में सोचते हैं। हम जो काम करेंगे उससे पैसा आएगा या नहीं आएगा, अगर पैसा आएगा तो काम करेंगे, पैसा नहीं आएगा तो काम नहीं करेंगे। लोगों को फायदा देंगे, दिया ना उन्होंने, जियो का फ्री कर दिया था 4 महीना तक 5 महीना तक, लोगों ने खूब मजा उठाया। लेकिन अब पता चल रहा है ना कि फ्री का चीज ज्यादा टाइम के लिए अच्छा नहीं होता है। तो अगर आपको लगता है कि कोई गवर्नमेंट आएगी 8,000 रुपया आपको फ्री में देगी, तो आप गलतफहमी में है। 1-2 साल के लिए वो फ्री में आपको देगी, लेकिन उसके बदले में आपसे क्या छीना जाएगा इसका अंदाजा आप भी नहीं लगा पाओगे। इसलिए फ्री के चक्कर में आदमी को नहीं पड़ना चाहिए। खैर, ये बिजनेस करने का तरीका था। अब भारत के लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को, टीचर को, माँ बाप को, सबको इंटरनेट की लत लग चुकी है, वो बिना रिचार्ज करवाए रह नहीं पाएंगे। और इसी मौका का फायदा अंबानी उठा रहे हैं। ना सिर्फ अंबानी, एयरटेल, वीआई सब एक साथ मिल गए हैं और 25% दाम बढ़ा दिया। लेकिन वो नहीं जानते हैं, अगर मार्केट में अमीर लोग हैं, पैसा कमाने वाले अगर लोग हैं, तो कुछ अच्छे लोग भी हैं जो लोगों के भलाई के बारे में सोचते हैं, और वही है रतन टाटा। बीएसएनएल जो कि भारत सरकार की खुद की कंपनी है, बीएसएनएल का मकसद था कि भारत के कोने कोने में इंटरनेट को पहुंचाना है और बीएसएनएल ने पहुंचाने का काम किया। लेकिन बीएसएनएल के पास उतना बजट नहीं था कि वो मार्केट में अच्छी तरह से फैल पाए और भारत के हर एक कोने में इंटरनेट को प्रोवाइड करे। ऐसी कंडीशन में भारत सरकार ने इन बड़े बड़े प्राइवेट कंपनी को काम सौंपा कि आप भारत में इंटरनेट को फैलाओ, और उन्होंने फैलाया भी। सही बात है, इंटरनेट हर एक कोने में पहुंच चुका है। लेकिन अब जो ये लोग करने जा रहे हैं, जितना फ्री में दिया था उसको एक ही बार में आपसे छीनना चाह रहे हैं, ये चीज किसी को पसंद नहीं आ रही है। और अब टाइम आ गया है कि बीएसएनएल जो कि भारत सरकार का सरकारी कंपनी है, इसको अब कोने कोने तक पहुंचाया जाए। और इसको कोने कोने तक पहुंचाने में, हर घर में पहुंचाने में रतन टाटा सामने आ चुके हैं। टाटा ग्रुप की एंट्री हो चुकी है मार्केट में। आइए आपको बताते हैं किस तरह से बीएसएनएल आगे बढ़ रहा है, क्या चल रहा है आखिर मार्केट में। इन तीनों दिग्गज कंपनियों ने सोचा कि बीएसएनएल अब मर चुका है, अब मरा हुआ मुर्दा क्या कर सकता है, चलो अब मार्केट में मजा लेते हैं और पैसा कमाते हैं, मार्केट को लूटा जाए। लेकिन अब इनकी फटने वाली है, क्योंकि बीएसएनएल फिर से जिंदा हो चुका है। बीएसएनएल का चाहे डाटा पैक हो या फिर कॉलिंग पैक हो, वो हमेशा से सस्ता था, सस्ता है और आने वाले टाइम में भी सस्ता रहेगा। क्योंकि भारत सरकार सपोर्ट नहीं कर रही थी बीएसएनएल को, इसलिए बीएसएनएल 4G और 5G से दूर था। लेकिन बीएसएनएल का जो नेटवर्क है वो काफी अच्छा है, क्योंकि कस्टमर कम है। कस्टमर कम होने की वजह से बीएसएनएल का जहां पर नेट पकड़ता है वो काफी अच्छा चलता है, और बीएसएनएल का नेट जो है सस्ता भी है। लेकिन अब बीएसएनएल को एक रास्ता मिल गया है, लोग बीएसएनएल को पसंद कर रहे हैं, हर जगह एयरटेल जियो का बायकॉट हो रहा है। ऐसी कंडीशन में बीएसएनएल के पास एक अच्छा सुनहरा मौका है कि वो आगे निकल जाए और मार्केट में अपना पकड़ बना ले, और बीएसएनएल ऐसा करने वाला है। हजारों हजार टावर नए नए लॉन्च किए जा रहे हैं, लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। बीएसएनएल का आगे का प्लान क्या है? गाइस, आपको बता दें कि अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ है, जियो एयरटेल वीआई ने अपना दाम बढ़ाया है। एक सप्ताह नहीं हुआ है और इसके अंदर बीएसएनएल ने 10,000 टावर खड़े कर दिए हैं, नए टावर। इतने स्पीड से बीएसएनएल भाग रहा है, हर एक सोशल मीडिया पर बीएसएनएल ट्रेंड कर रहा है आज के टाइम में। बीएसएनएल को जो लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, बीएसएनएल के जो कार्यकर्ता हैं उनको काफी ज्यादा मोटिवेशन मिल रहा है। लोग बीएसएनएल के कार्यकर्ता से, वर्कर से बात नहीं करते थे, उनको गाली देते थे कि कितनी घटिया नेट देते हो तुम लोग, लेकिन ये घटिया नेट ही अब आपको काम आने वाला है।
क्योंकि ये आपके पॉकेट मनी को बचाएगा। इसी बीच बीएसएनएल के द्वारा एक और नया प्लान का घोषणा किया गया है और वो है एक साल का पूरा प्लान। आप जानकर के हैरान जाएंगे गाइस कि बीएसएनएल ने एक साल का डाटा प्लान लाया है मात्र 1550 रुपया में। ये इंटरनेट के इतिहास का अब तक का सस्ता प्लान है। 1515 रुपया का आपको रिचार्ज करवाना है और एक साल के लिए सो जाना है। इसी प्लान को अगर आप जियो में जाओगे, एयरटेल में जाओगे, तो ये डबल और ट्रिपल के बराबर है। हर दिन आपको 2GB 4G डाटा मिलेगा। इसके अलावा अनलिमिटेड कॉलिंग सुविधा भी मिलेगी। कई सारे यूट्यूबर हैं जो कमेंट कर रहे हैं, कई सारे कस्टमर का कहना है कि ये सब तो ठीक है लेकिन हमारे इलाके में बीएसएनएल का टावर ही नहीं है। तो वैसे आपको बता दें कि बीएसएनएल का टावर बहुत जल्द आपके इलाके में आने वाला है। गांव वगैरह में आने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन शहर वगैरह में जहां पर जनसंख्या काफी ज्यादा है वहां पर बीएसएनएल जल्दी पहुंचेगा। आने वाले कुछ ही महीनों में बीएसएनएल आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। 2025 तक बीएसएनएल पूरे भारत के कोने कोने में फैल जाएगा अगर भारत सरकार डिस्टर्ब ना करे बीच में तो, क्योंकि इन अमीर लोगों के पास पैसा है। वो जाएंगे भारत सरकार के पास, बोलेंगे हमारा बिजनेस चौपट होने वाला है, पूरा पैसा उजलेंगे, ये वो डिश डेट। और हो सकता है कि सरकार फिर से बीएसएनएल को रोकने की प्रयास करे, बीएसएनएल को रोक दे, या फिर सरकार उनके साथ एक एग्रीमेंट कर ले कि आप इंटरनेट का दाम सस्ता करो तभी हम आपको आगे बढ़ने देंगे, वरना आप नहीं चल पाओगे। बीएसएनएल आएगा, भारत का अपना कंपनी, भारत का सरकारी कंपनी पूरे भारत में चलेगा। 2005 मार्च में बीएसएनएल का मार्केट शेयर था 19% मार्केट शेयर बीएसएनएल का, वो धीरे धीरे घट करके 7.96% में आ गया इनके नॉन कोऑपरेटिव मेजर्स के वजह से। इनके इरादा ठीक नहीं था, बीएसएनएल को ऐसे छोड़ कर गए और वो इतना कगार ऑलमोस्ट इन डेथ बेड बीएसएनएल आ पहुंचे। मोदी जी ने क्या किया वो भी सुन लेना चाहिए। मोदी जी ने क्या किया, अक्टूबर 2019 में कैबिनेट अप्रूव किया 69,000 करोड़ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर बीएसएनएल। कि क्यों नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि ये बीएसएनएल रिवाइव हो, इसके पीछे वजह है बॉर्डर सिक्योरिटी, नेटवर्क और लिंकेज, लिंक जो आप कहते हैं, यानी बॉर्डर के आसपास जिस तरीके से बीएसएनएल का नेटवर्क है वो और का नहीं है। सिक्योरिटी के लिहाज से भी, देश के लिहाज से बीएसएनएल अगर रिवाइव होता है और बीएसएनएल का नेटवर्क बॉर्डर इलाकों में, दुर्गम इलाकों में है, तो वो सिक्योरिटी के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। गांवों में जो बीएसएनएल का नेटवर्क है वो आज भी प्राइवेट प्लेयर्स का नहीं है, इसलिए भी बीएसएनएल गांव के उन ग्रामीण इलाकों में, उन गरीब इलाकों में जहां पर कोई बड़ी बड़ी रकम खर्च करके जो है वो पैकेज नहीं ले सकता, वहां बीएसएनएल काम आ सकता है और देश को लिंक करने के लिए ये जरूरी है। तो बीएसएनएल को रिवाइव करने के पीछे भी बीएसएनएल ही वजह है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि बीएसएनएल के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं मजबूत करना सरकार का लक्ष्य है। बीएसएनएल ऑप्टिकल फाइबर के 36% ग्राहक ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। मोदी सरकार के एजेंडे में गांव में ब्रॉडबैंड सेवाएं देना शामिल है और वो उसके लिए लगातार कोशिश कर रहा है। दूसरा कारण है प्राइवेट कंपनियों के उलट बीएसएनएल घरेलू मैन्युफैक्चरर्स पर निर्भर करती है। 4G और 5G सेवाएं शुरू होने से इन मैन्युफैक्चरर्स को भी फायदा होगा। तीसरा कारण है कि बीएसएनएल की पहुंच देश के बॉर्डर इलाकों तक है, नक्सल प्रभावित इलाकों तक भी बीएसएनएल की पहुंच है। यह रणनीतिक रूप से सरकार के लिए अहम है, इसलिए रिवाइवल पैकेज का ऐलान किया गया है। सियाचिन ग्लेशियर और नॉर्थ ईस्ट के दुर्गम और मुश्किल इलाकों तक बीएसएनएल की पहुंच है। तो ये चीज आगे देखने को मिलेगा कि भारत सरकार क्या करती है। भारत सरकार जनता के सपोर्ट में आती है या भारत सरकार इन अमीर कंपनियों के सपोर्ट में आती है। भारत सरकार अगर चाहे तो बीएसएनएल को सपोर्ट कर सकती है या फिर इन कंपनियों के साथ डील कर सकती है कि आप फिर से दाम को सस्ता कर दो, आप चलते रहोगे। आपके हिसाब से गाइस भारत सरकार को क्या करना चाहिए, बीएसएनएल को सपोर्ट करना चाहिए या फिर इन कंपनियों से कहना चाहिए कि आप अपना प्लान सस्ता करो? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई अगर बड़ी अपडेट आती है तो सबसे पहले मैं आपके पास ला दूंगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।